35 साल का उम्र हो चुका है, मेरे से ज्यादा उम्र वाला है। आदमी 35 साल का उम्र हो चुका है, आदमी सारा कोई काम धंधा नहीं, आदमी घुड़ी उड़ाता है। कोई भी महान इंसान कभी भी किसी को गाली नहीं देता है। yes.
दुनिया में कोई भी महान इंसान, दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान कभी भी लोगों के लिए गाली नहीं बकता है, कभी भी लोगों को कुछ बुरा वाला नहीं बोलता है। उसका औकात वो है इसलिए वो नीचे, उसका औकात वो है इसलिए नीचे। एक ही चीज दिल को बोलना कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाथी अपने मस्ती में चलता जाता है। हाथी बनो, भौंकने दो कुत्ते को, थोड़ा देर भौंकेगा। जिंदगी में 15 इंसान भौंकेगा आपके जिंदगी में, ऐसा 15 इंसान ही होगा ज्यादा से ज्यादा तो लोग भौंकेगा। 15 इंसान का भौंक सुन के बैठ जाओ वहां पे, उन लोगों के तरह कुत्ता बन जाओ या तो शेर का बच्चा हो जाओ, और आने वाले टाइम में जब नेता जी इंदौर में बात करोगे 15,000 आदमी आपको क्या चाहिए, या तो 15 आदमी का कुत्ते ज्यादा भौंकना सहन करो, या तो 15,00,000 लोग आने वाले टाइम में आपका आपको सुनने के लिए बैठा हुआ है। भगवान राम को भी लोग गाली दिए, भगवान कृष्ण को भी लोग गाली दिए, जीसस को भी लोगों ने गाली दिए, विद्यासागर को भी लोगों ने गाली दिए, खुदीराम को भी गाली दिए, भगत सिंह को भी गाली दिए, शिवाजी को भी गाली दिए। दुनिया में कोई इंसान कभी भी असाधारण नहीं बन सकता जिसको साधारण इंसान ने गाली दी। लोगों का काम सारा है गाली देना, लोगों का काम है गाली देना। कुछ दिन पहले एक फिल्म निकला था, हम लोग देखे थे चंदू चैंपियन, हमारे yeah! भी देखे yeah! क्या था, एक बंदे का सपना, एक बच्चे का सपना था कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, वर्ल्ड कप गोल्ड जीतेंगे, मेडल जीतेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, एक सपना था एक बच्चे का। सबने मजाक उड़ाया और बच्चा उस सपने को पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, बड़ा होता गया, लेकिन सपना और भी बड़ा होता गया, और बच्चा सपना बड़ा होता गया, उसका सपना भी और भी बड़ा होता गया। लेकिन लोगों ने उसको मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। जब भी वो लड़का था उसका पिताजी मारते थे, क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, उसका मन था गोल्ड जीतेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। लोग हंसते थे, अरे तू क्या करेगा, अरे देखो चैंपियन बनने चला, अरे देखो चंदू, अरे चंदू चैंपियन, अरे चंदू चैंपियन, अरे चंदू चैंपियन बनेगा, अरे देखो चंदू चैंपियन बनेगा। तो चंदू ने क्या कहा, अच्छा भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है, चैंपियन है सारा चैंपियन। फिर ट्रेनिंग करके उतर जाओ स्मार्ट वैली में,
मैं आपको बोलता हूँ, आज से 10 साल बाद स्मार्ट वैल्यू अगर नहीं करते तो 10 साल बाद एक 20,000 का नौकरी में जिंदगी खत्म हो जाता, एक 30,000 का नौकरी में जिंदगी खत्म हो जाता, एक 40,000 का नौकरी जिंदगी में कभी मिलता नहीं और 40,000 में कभी संसार चलता। तो क्यों करना वो मेहनत का काम, क्यों करना वो गुलामी। कुछ दिन बाद, कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, लास्ट बता के जा रहा हूं कि पावर क्या है स्मार्ट वैल्यू का। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, इंटरव्यू को बोल रहा था एक बंदा IIT क्वालिफाइड, IIT टॉपर, IIT क्वालिफाइड, सिर्फ IIT नहीं 10 लाख में एक ब्रेन होता है IIT। हम लोग उन लोगों के कदम के मतलब नाखून के बराबर भी हूँ। IIT क्वालिफाइड, नॉट ओनली IIT, IIM क्वालिफाइड, ऐसा बड़ा बड़ा दो डिग्री IIT क्वालिफाइड और IIM क्वालिफाइड, उसको एक प्राइवेट फॉर्म में, फाइनेंशियल प्राइवेट फॉर्म में नौकरी मिला। उसका पैकेज क्या था, सैलरी 90 लाख पर ईयर, नॉट अ मैटर ऑफ जोक, साल में ऑलमोस्ट 1 करोड़, साल में 1 करोड़ क्यों मिला 1 करोड़। बहुत कोई बोलता है नौकरी करके क्या फ्यूचर नहीं होता है, हाँ होता है भाई, IIT IIM क्वालिफाई कर ले फ्यूचर होता है, और नहीं तो सारा जिंदगी मजदूर बना के रख देगा। IIT IIM क्वालिफाइड 1 करोड़ का सैलरी क्यों देता था कंपनी उसको 1 करोड़ का सैलरी, क्योंकि कंपनी को एक साल में 100 करोड़ का टर्नओवर देता था, 100 करोड़। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल गुजरा, दुबई, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे प्रोजेक्ट, वहां का प्रोजेक्ट, यहाँ का कमिट, वहां का टर्नओवर, करते 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 जिंदगी अच्छा बीता, शादी किया, फ्लैट लिया, गाड़ी लिया, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल, करोड़ों कमाता था, अच्छा जिंदगी। डॉक्टर को चेकअप किया, हेल्थ चेकअप किया, नॉर्मल चेकअप, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तुम्हारा BP बहुत हाई है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो। बंदे ने सोचा ठीक है पैसा कमाते हैं, हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, जिम ज्वाइन किया, प्रोटीन खाया, डाइट किया, गंदा खबर छोड़ दिया, हेल्थ मेंटेन किया, सब कुछ मेंटेन किया। इसका 1 से 2 साल बाद एक दिन आया जिस दिन बंदा पूरा घर में फैट हो गया और नहीं उठ रहा, भाई घबरा गया, डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने बोला इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज हुआ, पहले लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो दिन तीन दिन चार दिन गया, कंपनी का बॉस आया, कंपनी का एम्प्लॉई आया, दोस्त लोग आया, सब कोई आया, बॉस आके बोला अरे टेंशन मत लो, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में सही हो जाओ, हम लोग देख लेंगे, तुम चले आना। बॉस ने बोला कोई टेंशन नहीं है, 2 हफ्ते में ठीक होकर चले आना। 2 हफ्ता 4 हफ्ता गुजर गया, दोस्त आया, कुछ लोग देखने आए, 4-5 दिन के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया ये बंदा परमानेंट पैरालिसिस हो गया, ये बंदा कभी उठ नहीं पाया। जिस दिन अनाउंस हो गया उसका 1 हफ्ते बाद कुछ लोग तो देखने आए, बॉस ने फोन पिकअप करना बंद कर दिया, दोस्त लोग आना बंद कर दिए, बीच बीच में 1-2 लोग आए लेकिन फिर कोई आना बंद कर दिया। पैरालिसिस होने का 2 हफ्ते बाद कोई नहीं आता था, फोन नहीं उठाता था, पता चला कंपनी ने दूसरे को हायर कर लिया 50 लाख में, करियर बर्बाद हो चुका है, घर में पैरा हुआ है, EMI चल रहा है, कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी करने का जगह नहीं है। ये होता है भाई जिंदगी, ये होता है सिक्योरिटी। कंपनी 100 करोड़ चूसता है उससे, फिर जाके 1 करोड़ देता है, 5 साल बाद वो बंदा इतना स्ट्रेस में उठता, उसको इतना मेहनत करवाता, इतना स्ट्रेस देता है, सिर्फ पैसा नहीं देता, इतना स्ट्रेस देता है, वो बंदा पैरालिसिस हो जाता है, नौकरी चला जाता है, कोई फोन भी नहीं करता, देखने वाला दोस्त नहीं। क्या हम क्यों बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू भगवान का वरदान है, हम लोगों का औकात नहीं उस जैसा 1 करोड़ कमाने का, लेकिन वो बंदा IIT IIM से क्वालिफाइड होने के बाद साल में 1 करोड़ कमाता है, और वही इनकम आज स्मार्ट वैल्यू हम लोगों को 3 महीने में देता है। वो पैरालिसिस हो गया, उसका रिप्लेसमेंट हो गया, किसी कंपनी को ऑफिस से चलता है।
इतना तो जानते हैं हम लोग स्मार्ट वैल्यू करके, कि अगर विकास को आज मर भी जाए ये हॉल चलेगा, ये हॉल चलेगा। विकास को मर भी जाए राकेश विश्वास नहीं मरेगा, राकेश विश्वास अपने करियर के लिए बिजनेस करेगा, आप लोग अपने करियर के लिए बिजनेस करेंगे, बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिक साइंटिफिक सिस्टम काम चलता रहेगा। इस विकास बोस का फैमिली में कभी दिक्कत नहीं होगा अपने मम्मी के लिए अपने पिताजी के लिए। ये होता है सिक्योरिटी। हम लोग आई आई टी नहीं है लेकिन उसका उससे बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। आई आई टी नहीं है लेकिन उससे बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। वो साल में कमा सकता है, तीन तीन महीने में कमा सकते, तीन महीने में कमा सकते हो। स्मार्ट वैल्यू एक महीने में करोड़ देता है, एक महीने में। आपका अगर दम है आप चलना शुरू तो करो, आपको लगेगा हम लोग शायद नहीं पहुंचे, बस समाज पे छोड़ दो। आप लोग सुपरस्टार तो बन सकते हो, गोल्ड तो बन सकते हो, फिर देखना क्या होता है। नहीं आप सोचे हो हम लोग जा सकते, आप नहीं जाओगे। तीन कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग। आज मेरा एक दिन में 150 डीबी गिरता है, एक दिन में मैं सिल्वर होता हूँ, एक दिन समझ माना है, एक दिन में सिल्वर होता हूँ, और तीन महीने बाद एक दिन में गोल्ड बनूंगा, एक दिन। और एक बंदा बैंकिंग सेक्टर में जॉब करता था, बहुत बढ़िया नौकरी, बहुत क्वालिफाइड सीए था। उसका जो भाई था इंटीरियर डिजाइनर, अच्छा खासा नौकरी, नया नया शादी, सेम घर लिया, जिंदगी अच्छा चल रहा था, फैमिली प्लानिंग, बच्चा सब कुछ था। कोरोना के वक्त, ये कोरोना का इंसिडेंट है, कोरोना के टाइम दोनों का जॉब चला गया, कोरोना के समय इतना डिप्रेशन, घर में रोज दिन कलेश, रोज दिन झमेला, ऐसे रोज दिन झमेला होते 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 बर्दाश्त के बाहर चला गया। उस दिन उसका भाई उसको छोड़ के बोला मैं मायके चले जा रहा हूं, भाई के मायका चला गया। मायके जाने के बाद रात को फोन आता है, बंदा सुसाइड कर लेता है। ये सुन के भाई, उसका जो भाई था बर्दाश्त नहीं कर पाया, छलांग मार के खुदकुशी कर लिया, दोनों मर गए। किसके कारण? पैसे के कारण। किसके कारण? सिक्योरिटी के कारण। आज के दिन में कोई प्रोफेशन में सिक्योरिटी नहीं है। लकी है हम लोग कि हम लोगों के पास ऐसा काम है, एटलीस्ट कुछ भी हो जाए सारा काम कोई छीना छीन नहीं सकता, छीन नहीं सकता। अपने आप स्मार्ट वैल्यू का परमानेंट बिजनेसमैन हो, कोई आपका आईडी कैंसिल नहीं कर सकता, कोई आपका काम छीन नहीं सकता। सिक्योरिटी से कहते हो, आप नहीं आता है आपको बिजनेस सिखा देगा सीनियर लोग, आपको नहीं आता है बिजनेस सिखा देगा ट्रेनिंग, आपको कुछ नहीं आता है, आप समय दे दो, क्योंकि सिस्टम पावरफुल है। आपको सिर्फ ट्रेन में जाके उतना है, उतना तक मेहनत करना है, बाकी ट्रेन का 800 स्पीड में आपको लेके जाना तो तुरंत का बात है। स्मार्ट वैल्यू ऑफ ट्रेन है, और घर से सिर्फ आपको पैदल जाके उस ट्रेन में बैठना है, और उस ट्रेन में बैठना, स्मार्ट वैल्यू का ट्रेन में बैठना और इंजन चालू होना और ट्रेन चालू होना मतलब सुपर स्मार्ट सिल्वर और गोल्ड। इसमें मेहनत, थोड़ा सा मेहनत, पूरा जिंदगी में एक बार ही मेहनत करना पड़ता है, और सुपर स्मार्ट होने तक, सिल्वर होने तक, गोल्ड होने तक, पूरा जिंदगी में आप जो कमाओगे, खुद को जो कमाओगे, खुद को जो प्रोडक्ट बनाओगे, बॉडी लैंग्वेज नहीं है वो तो कमाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है वो तो कमाना पड़ेगा, ये मान लो, फोकसिंग नहीं है वो तो लाना पड़ेगा, डेडिकेशन नहीं है वो तो दिखाना पड़ेगा, और दिखा दोगे क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का एनवायरमेंट है, स्मार्ट वैल्यू का परिवेश है, आपके अंदर तैयार कर देगा एक सक्सेसफुल मैटेरियल। कोई नहीं दिखेगा, चाटने वाले बहुत कोई
होते हैं रोटी कोई नहीं देता है, हंसने वाले बॉस कोई होते हैं रोटी कोई नहीं देता है। समझ में आ रहा है? कोई सक्सेस नहीं देता है, कोई आपका जिंदगी में जब खराब टाइम आएगा ना आपको उठा के नहीं लाएगा। भाई मैं तुझे 20,000 का नौकरी देता हूँ, अरे 20,000 का नौकरी तो दूर की बात, 20,000 का इनकम तो दूर की बात, जिंदगी में कभी तकलीफ आएगा तो 5,000 कोई आपको देकर नहीं मदद करेगा। मेरा खुद का बचपन का दोस्त, बचपन में शायद दो बार भी उसके साथ मैंने बात नहीं किया, खुद का बचपन का दोस्त, MBA क्वालिफाइड, बाहर काम करता था, पिता जी नहीं है, घर में माता ऐसा दुर्दशा है, नौकरी छोड़ के आना पड़ा घर में, यहाँ पे कोई मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलता है उसको, भटकता है लोगों को जाके, लोगों के पास जाके ना भिक्षा मांगता है पैसा। एक दिन अचानक से मेरा फेसबुक पे मैसेंजर में मुझे मैसेज किया, भाई थोड़ा फोन उठाना तेरे से बात है। तो मैंने सोचा मेरा लाइफ स्टाइल देख के शायद उसको मतलब क्यूरियोसिटी हुआ, भाई मुझे भी कोई काम चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने उसको फोन उठाया, फोन उठाने के बाद वो अपना कहानी बोल रहा है, बोले भाई 10,000 दे दे, भाई 10,000 दे दे, क्योंकि जिंदगी में मैं उसे जानता नहीं था, बचपन में पढ़ाई लिखाई किया था लेकिन उतना कोल्ड सर्कल था, उतना हॉट सर्कल वार्म सर्कल नहीं था, दो बार भी बात नहीं किया। मेरा घर में आ चुका, घर में आ चुका, मैं तब एक जगह पे ट्रैवल करने जाऊंगा, हम लोग खड़े थे, हम प्रणव और भी एसोसिएट, वो थे, मैं देखा वो मेरे घर के अगल बगल में घूम रहा है, पता चल गया उसका मेरा घर कहाँ पे, तो मेरा घर में घुस गया, मेरा घर में घुस के मेरे साथ बात करके बोला भाई एक बार टाइम देना, भाई घर का ये हालत उसको देख के आपको बुरा लगेगा कितना। मैंने सोचा झूठ बोला है, मैंने बोला अपना एक काम कर, अपना बायोडाटा भेज, देखा हाँ सचमुच MBA क्वालिफाइड किया। आप जानते नहीं हो क्या हालत है इंसान का। मैंने उसको फ्री में मैंने बोला तो तेरा जो हालत है अगर तू कुछ सही में करना चाहता है, एक काम कर, सही में कुछ करना चाहता है तो मेरे साथ काम कर सकता है, मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा लेकिन मेरे साथ काम कर सकता है, पहले पहले थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन अगर पढ़ना चाहता है कुछ, अगर ऐसा ही जिंदगी और 10 साल चाहिए तो ऐसे पढ़ा रहा है और कोई नौकरी कर, अगर कुछ चेंज करना चाहता है तो स्मार्ट वैली शुरू कर। मैंने उसको फ्री में स्मार्ट वैल्यू करने का अपॉर्चुनिटी दिया, फ्री में काम तो स्टार्ट कर, फ्री में कर, धीरे धीरे अपना आईडी बना रहे लेकिन फ्री में तो कर। दुनिया में प्रधानमंत्री भी किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएगा इनकम का, प्रधानमंत्री भी आज देश में इतना बेरोजगार लोगों को इनकम नहीं दे पाता है। स्मार्ट वैल्यू का एक एसोसिएट का औकात है 150 करोड़ को खुद अपॉर्चुनिटी देने का। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी को मदद नहीं करता, कोई किसी को पैसा नहीं देता। शाहरुख खान 10 आदमी को करोड़पति नहीं बनाएगा, अमिताभ बच्चन 10 आदमी को करोड़पति नहीं बनाएगा, नरेंद्र मोदी 10 आदमी को करोड़पति नहीं बनाएगा, इंडिया का कोई बिजनेसमैन किसी को बिजनेसमैन नहीं बनाएगा। हम लोग दुनिया का सबसे महान काम करते हैं, लोगों को बिजनेस गिफ्ट करते हैं। बिजनेस गिफ्ट करते हैं भाई, खुद करते हैं जो लोगों को वही गिफ्ट करते हैं, कोई लोअर अपॉर्चुनिटी गिफ्ट नहीं करते, हायर अपॉर्चुनिटी गिफ्ट करता है। अरे मुकेश अंबानी लोगों को नौकरी देता है लोअर अपॉर्चुनिटी, खुद हायर अपॉर्चुनिटी में, मुकेश अंबानी खुद हायर अपॉर्चुनिटी में लोगों को नौकरी देता है, खुद के कंपनी में नौकर बनाता है, लोअर अपॉर्चुनिटी देते है। हम जो बिजनेस करते हैं हम एक एसोसिएट को वही हायर अपॉर्चुनिटी देते हैं। शाहरुख खान 5 मिलियन मसाला बेचता है, आप अपने घर में जाके अपने बच्चे को जाके मुंह में 5 मिलियन मसाला खाओ खिला सकते हो? नहीं, हम लोग 5 मिलियन मसाला नहीं बेचते। आप अपने माँ को जाके 5 मिलियन मसाला खाओ खिला सकते हो? नहीं, लेकिन आप अपने माँ को जाके कैल्शियम एक मानसिक विटामिन एक नूनी खिला सकते हो। धोनी लोगों का जुआ खिला के पैसा कमाता है, इन लोगों का फैन है, इन लोगों
लोग नेटवर्क है, ये लोग पैसा कमाने के उस नेटवर्क को जहर बेचते हैं, जुआ बेचते हैं। उन लोगों को शर्म नहीं लगता, आपको शर्म लगता है। ट्रेनिंग एक बंदे से पैसा नहीं लेता, एक ट्रेनिंग एक बंदे को फोकस करता है, एक ट्रेनिंग एक बंदे को डेडिकेट करता है, एक ट्रेनिंग एक बंदे को माइंड सेट करता है, एक ट्रेनिंग एक बंदे को ड्रीम सेट करता है, एक ट्रेनिंग एक बंदे को आने वाले टाइम पे लाखों करोड़ों इनकम करने का अपॉर्चुनिटी देता है। शिक्षा देना महान काम है। अरे जुआ बेचने से शिक्षा देना महान काम है। कंप्यूटर का पार्ट बोलना महान काम है। पार्ट निर्माण मसला बेचता है शाहरुख खान, अरे उससे तो महान काम है दुनिया को हेल्थ का अवेयरनेस देना। अमिताभ बच्चन कमला में विमान मसला बेचता है, कमला पसंद। अमिताभ बच्चन अपने पुत्री को खिला सकता है कमला पसंद नहीं, दुनिया को खिलाता है। अरे ये लोग पैसा कमाता है सब करके, इन लोगों को शर्म नहीं लगता और हम लोगों को शर्म लगता है, और हम तो नहीं करेंगे सब। ये बात करो,